सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में मची सियासी उठापटक का अभी असली खेल बाकी है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट, जो कि अभी तक पर्दे के पीछे से गेम कर रहे थे, अब वो खुलकर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इसके पीछे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान और संकेत। इसी के इतर जो पायलट कुनबे से जो नेता है विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, उनके जिस प्रकार से ऑडियो और वीडियो मैसेज जो अब सामने आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये इशारा करने के लिए काफी है कि गहलोत सरकार के समक्ष अब पायलट भाजपा के साथ मिलकर बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। क्या है पूरा माजरा और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से बिसात बिछाने में जुट गई है, पूरे मामलात को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी हाँ, पायलट और गहलोत के मौजूदा रिश्तों पर ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही हैं। भला किसने सोचा था जो पायलट कांग्रेस के कुनबे को मजबूत करने के लिए गांव ढाड़ियों की खाक छान मारी, वही पायलट आज अपना सियासी विमान लेकर यूं उड़ जाएंगे। जो पायलट कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाने की बातें करते थे, वही पायलट कांग्रेस की पहचान को खुद से हटा लेंगे। जो पायलट कांग्रेस में अपना भविष्य देखते थे, वही पायलट कांग्रेस से तौबा कर लेंगे। खैर, कहते हैं कि इश्क जंग और सियासत में सब जायज है। ठीक हुआ भी वैसे, पायलट आज विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे तो आला कमान ने अनुशासन का डंडा चला दिया और उनको पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। साथ ही उनके कुनबे के मंत्री रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह की भी छुट्टी कर दी गई। मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पायलट अभी भी पर्दे के पीछे हैं। मीडिया के कैमरे पायलट के चेहरे को कैद करने के लिए आतुर हैं, लेकिन पायलट अभी भी गेम पर्दे के पीछे से ही खेल रहे हैं। गहलोत सरकार ने तो पर्याप्त बहुमत का दावा भी किया है और राज्यपाल से मुलाकात भी, लेकिन सियासत के जानकार बताते हैं कि पायलट ने असल गेम अब शुरू किया है। अब पायलट खेलेंगे, जबरदस्त खेलेंगे, खुलकर खेलेंगे, क्योंकि भाजपा के चाणक्य अब पायलट के साथ खड़े हो गए हैं। जाहिर तौर पर पायलट गहलोत का आज का झगड़ा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गया, यानी अब पायलट की वापसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लिहाजा राजस्थान भाजपा के नेता भी सक्रिय हो गए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गहलोत सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अहंकार तो रावण का भी टूट गया था। खैर, आज मालूम चल गया कि कांग्रेस पार्टी में प्रतिभा की कोई कद्र नहीं है। कुल मिलाकर इस सियासी पटकथा के हर किरदार तय हैं और वक्त के साथ सभी अपना किरदार भी निभा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सियासी परिदृश्य बतला रहा है कि अभी पायलट का किरदार निभाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने गहलोत सरकार को अल्पमत में बता दिया है। उनका कहना है कि गहलोत सरकार को अब फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की सियासी उठापटक है वो अभी और चलने वाली है। क्या है इस पूरे प्रकरण से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट और आगे क्या हो सकता है, हर लेटेस्ट और इससे जुड़ी हुई अपडेट खबर लेकर हम आपके साथ
हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।